हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑटो कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेटर के बारे में। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रहा है तो ये इंडिकेटर आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए आपके स्क्रीन के सामने अभी ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है एंड यहाँ पे मैं इन्फोसिस का चार्ट ओपन किया हूँ। सिंपली आपको जाना है यहाँ पे जो इंडिकेटर का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक जैसे ही आप सर्च कर लेंगे, देखिए टॉप में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। चाहे तो आप इस इंडिकेटर को यहाँ पे फेवराइट भी रख सकते हैं। जो यहाँ पे स्टार सिंबल आ रहा है ना, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये फेवराइट सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आइदर ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली कैंडलस्टिक सर्च कर देंगे तो ये इंडिकेटर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल कैंडलस्टिक जो पैटर्न है उसके ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा होगा ना, वहाँ पे शो करेगा। देखिए जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डी लिखा गया है, मतलब डोजी, और डोजी का मीनिंग क्या है आपके सामने पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही आपका माउस का क्रसर उसके ऊपर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बुलिश एंगल्फिंग, तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग क्या है डिस्क्रिप्शन से आप डिटेल्स में समझ पाएंगे कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न का मीनिंग क्या है, जो कि बिगनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पहले तो ये इंडिकेटर क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो बता देगा, उसके साथ एक कैंडलस्टिक पैटर्न का मीनिंग क्या है वो भी आपके सामने लिखकर आ जाएगा, जो कि एक बिगनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैंडलस्टिक पैटर्न ऐड भी कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न का इंडिकेटर है ना, उसका सेटिंग के ऊपर जाना है। उसके बाद देखिए जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना, देखिए यहाँ पे डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न आ रहा है। तो डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ लिमिटेड कैंडलस्टिक पैटर्न है, को जो कैंडलस्टिक पैटर्न जरूरत है उसको आप यूज कर सकते हैं। माने जैसे कि आपको हैमर चाहिए, इवनिंग स्टार चाहिए, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, एंड जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नहीं चाहिए उसके ऊपर आप अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। जो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप सिलेक्ट किए हैं वही कैंडलस्टिक पैटर्न आपका चार्ट में शो करेगा। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड जो भी आपका कलर चेंज करना है यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा कैसे आप ऑटो कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।